सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले मनीषा रानी और एलविस यादव में इंस्टा पे एक दूसरे को फॉलो एंड फॉलो करने को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसपे एलविस यादव मनीषा रानी दोनों अपने अपने साइड के पॉइंट को रखे थे। बट क्या ये कंट्रोवर्सी जो हुई थी फेक और स्क्रिप्टेड थी? तो कल मनीषा रानी से यही क्वेश्चन पूछा गया कि आपको एलविस यादव की जो कंट्रोवर्सी हुई थी स्क्रिप्टेड थी या रियल थी, जिसपे मनीषा रानी क्या कहें, आप लोग खुद देखिए। आपने जो कंट्रोवर्सी किया एलविस के साथ में, वो सब फेक है, सॉन्ग के लिए किया है, पब्लिक एंगेजमेंट के लिए किया, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? फेक है क्या? आप हंस रहे, कुछ बात है? मुझे लग रहा है मनीषा रानी को प्लीज लाइक का जरूरत नहीं है, हम जो कर देते हैं वो ऐसे ही वायरल है। और कुछ हम आज तक कभी भी व्यूज लाइक के लिए कुछ नहीं किए, वो व्यूज लाइक के लिए कौन क्या करता है ये सबको पता है, इसलिए हमको बोलने का जरूरत है। और आई थिंक जो हमारी फैंस है, जो ऑडियंस है, वो बहुत पैटर्न है, जरूर है, लेकिन हाँ वो तो है। मुझे लगता है हम लोग कंट्रोवर्सी करके लोग आई थिंक जो फेमस होते हैं वो कुछ दिन तक ही टिक पाते हैं। हाँ। जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं या फैन बेस बनाते हैं वो ज्यादा दिन चलते हैं, तो जो करते हैं वो उनका तरीका। बट तो गाइस, यहाँ पे मनीषा रानी क्लियर करते हुए कही कि कोई भी स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी नहीं थी, और ये लोग जो कंट्रोवर्सी करते हैं सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए करते हैं। मतलब कि यहाँ पे मनीषा रानी एलविस यादव को कह रहे हैं कि व्यूज और लाइक्स के लिए कंट्रोवर्सी करी गई है, जबकि गाइस यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि कंट्रोवर्सी मनीषा रानी ने स्टार्ट करी थी, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। बाकी इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।